जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय जैन तत्व विद्या का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने तत्व क्या है, तत्व के प्रकार कितने हैं, उन तत्वों में से जीव अजीव पुण्य पाप इन चार तत्वों की चर्चा की। आज हम आगामी पांच तत्व आश्रव संवर वंध निर्जरा और मोक्ष इनकी चर्चा करेंगे। अब तक हमने सात तत्वों में से पुण्य पाप का बंध कैसे होता है, पुण्य के कारण क्या है, पाप के कारण क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, इनको जाना। अब आता है आश्रव तत्व। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम पुण्य या पाप कोई भी कार्य करते हैं तो कर्म का बंध निश्चित ही होता है। पुण्य करने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता, परंतु जीव जब अजीव तत्व के प्रति या पुद्गल तत्व के प्रति आसक्ति करता है, राग करता है और उनको हितरूप मानता है तो राग का आश्रव होने से पुण्याश्रव कहलाता है, और जब अहितरूप मानता है तो वह पापाश्रव बन जाता है। आश्रव तत्व का स्वरूप बताते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र में कहते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः, अर्थात आश्रव मन वचन काय इन तीनों से होता है। सा आश्रवः यानी मन वचन काय इन तीनों से होने वाला कार्य, इन तीनों से बंधने वाले कर्म या उन कर्म की प्रवृत्ति उसे आश्रव कहते हैं। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, आगे उन्होंने बताया यह आश्रव दो प्रकार का होता है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। पुण्याश्रव से तात्पर्य वह आश्रव जो पुण्य बंध का कारण हो, पापाश्रव से तात्पर्य वह आश्रव जो पाप बंध का कारण हो। अर्थात आश्रव हितरूप तो है ही नहीं। हमने पहले जाना था कि नौ तत्वों में हे क्या है, गेय क्या है, उपादेय क्या है, तो आश्रव तत्व हे की कैटेगरी में आता है, अर्थात छोड़ने योग्य है। और यहाँ आचार्य उमा स्वामी भी यही कह रहे हैं कि शुभा पुण्य से अशोभा पापस्य, यानी आश्रव पुण्य पाप दो रूप तो होता है परंतु वह बंध का ही कारण है। देखिए आश्रव के प्रकार बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आश्रव बंध रूप है, आश्रव अव्रत रूप है, आश्रव इंद्रिय रूप है, आश्रव योग रूप है एवं आश्रव आयातना रूप है। अर्थात आश्रव बंध का कारण भी है, आश्रव अव्रत से होता है, आश्रव इंद्रियों से होता है, आश्रव योग यानी मन वचन काय से होता है एवं आश्रव आयातना से भी होता है। आश्रव के कारण क्या है, मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय और योग, ये आश्रव के मूल कारण हैं। सबसे पहला है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन को मूल कारण क्यों कहा, क्योंकि जब तक हमारा श्रद्धान सम्यक नहीं होगा तब तक हम किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को या किसी भी द्रव्य को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते, और यथार्थ श्रद्धान के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ चारित्र यानी आचरण नहीं होता। इसलिए मिथ्या तो सबसे मूल कारण बताया। उसके बाद आता है अविरति। अविरति क्या चीज है, देखिए श्रावक की, गृहस्थ की, मुनि की, सबकी एक कैटेगरी निश्चित की गई है। कहा गया है सामान्य श्रावक गृहस्थ श्रावक को अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए। अष्टमूल गुण से तात्पर्य क्या है, यानी श्रावक के लिए पांच उदंबर फल और तीन मकार इनका त्याग करना अनिवार्य है। इनके त्याग के बिना वह सामान्य गृहस्थ श्रावक भी नहीं बनता। पांच उदंबर फल कौन कौन से हैं, बड़, पीपल, उमर, कठुमर और पाकर फल, और मांस, मद्य, मधु। इस प्रकार से जो इन अष्टमूल गुण का त्याग करता है वह सामान्य श्रावक है। इसके बाद आता है उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक में सम्यक दर्शन उसकी प्रथम योग्यता है। सम्यक दर्शन के साथ 11 प्रकार की प्रतिमाओं का पालन अगर वो करता है तो वह श्रावक में उत्कृष्ट श्रावक बन जाता है। जो ऐसा नहीं करता यानी अणुव्रतों का भी पालन ना करे तो वह अविरति कहलाता है, उससे भी आश्रव होता है, पुण्याश्रव होगा। प्रमाद, प्रमाद अर्थात सामान्यतः आलस या किसी भी कार्य को यथारूप से नहीं करना, उसमें किसी भी प्रकार से दोष लगाना, किसी भी प्रकार से उसमें ऐसा हो जिससे कार्य सम्यक ना हो, मिथ्या हो या यथार्थ परिणाम देने वाला ना हो, वह प्रमाद है। कसाय, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं।
हम पहले जान चुके हैं आत्मा अर्थात जीव तत्व। आत्मा को कसे से क्या तात्पर्य है? आत्मा तो दिखाई नहीं देता, आत्मा अरूपी है, अनादि अनंत है। फिर कसने से तात्पर्य, जो आत्मा में क्लिष्ट कर्मों का आश्रय कराए, वो कसाए, दुख दे। कहा जाता है आत्मा तो अनादि सुखी है, उसमें सुख दुख होता नहीं है। जब होता नहीं है तो आत्मा को दुख कौन दे सकता है? देखिए संसार में जब आत्मा रहता है तो शरीर के माध्यम से ही रहता है, बिना शरीर के नहीं रहता। अगर शरीर में कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट की अनुभूति, ये अनुभव होता है, और वह अनुभूति, वह अनुभव ही दुख का कारण है। इसलिए कसाय दुख का कारण है। फिर होता है योग। योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? देखिए मन में कोई चीज विचार करते हैं, वचन में अगर वही परिणाम, वही भावों को बोलते हैं, क्रिया में वही प्रवृत्ति करते हैं, तो वो कहलाता है मन वचन काय का एक रूप प्रवृत्ति। और जब हम मन में तो कुछ और ही सोचते हैं, बोलते कुछ दूसरी बात है और करते कोई तीसरा कार्य है, तो वह मन वचन काय की विकृति कहलाती है। और मन वचन काय की प्रवृत्ति से शोभाश्रव होता है, और मन वचन काय की विकृति से अशोभाश्रव होता है। शोभाश्रव को ही पुण्य कहा गया, अशोभ आश्रव को ही पाप कहा गया। इस प्रकार से आश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये पांच कारण मूल हैं। इसके साथ ही जब हम आश्रव के भेद की बात करें तो आश्रव के सामान्य से 20 भेद हैं, या 20 कारण भी हम कह सकते हैं, जिनमें बंध के 5, अव्रत के 5, इंद्रिय के 5 और योग के 3 एवं आयातना के 2। इस प्रकार से 20 भेद भी आश्रव के बताए गए हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा विशेष जानते हैं कि बंध के कौन कौन से 5 हैं। सबसे पहले आता है मिथ्यात्व के विशेष कारण। सामान्य कारण बता दिए 20, जिनमें बंध, जिनसे बंध होता हो, अव्रत, जो व्रत रूप ना हो, इंद्रिय, 5 इंद्रियां, 3 योग, 2 आयातना। बंध में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के कारण है। अव्रत अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी प्रवृत्ति। इंद्रियों से आश्रव, 5 इंद्रियां हमारी होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 की प्रवृत्ति से जो कर्म का आश्रव होता है वो इंद्रियों का आश्रव है। योग मन वचन काय और आयातना यानी यत्न पूर्वक ना किए जाने वाला कार्य, इसके 2 भेद। इस प्रकार से आश्रव के सामान्य से 20 भेद हैं। आश्रव के विशेष कारण कौन कौन से हैं? प्रत्येक कार्य के सामान्य कारण, विशेष कारण, दोनों कारण होते हैं। सामान्य कारण वो होते हैं जो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, हमारी नैसर्गिक क्रिया में समाहित होते हैं। विशेष कारण वो होते हैं जो यत्न पूर्वक किए जाएं, या जिनको करने के लिए विशेष प्रकार का उद्यम हो, चाहे वो राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे कसाय रूप हो, चाहे पुण्य रूप हो, चाहे पाप रूप हो। तो विशेष कारण कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, देखिए पहले तो बता दिया आपको कि बंध आश्रव के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये सामान्य कारण हैं, मूल कारण हैं, और इनके भेद ही विशेष कारण बनते हैं। सबसे पहला आता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से क्या तात्पर्य? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो तत्व जिस रूप में बताया गया है, जिसका व्याख्यान जिस रूप में किया गया है, उसको उस रूप में ना मानकर अपने अनुरूप मानना, अपने अनुसार मानना, वो कहलाता है विपरीत मान्यता। और उस विपरीत मान्यता यानी उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे बताया गया जीव आदि 7 तत्व होते हैं, आश्रव के भेद रूप पुण्य पाप को मिलाने से उनके 9 तत्व होते हैं। अब हम 9 तो ना माने, 5 माने, 10 माने या अन्य कोई संख्या को स्वीकार करें, तो वो हो गई विपरीत मान्यता। या जीव के लिए कहा गया कि जीव अनादि अनंत है, आत्मा अमूर्त है, आत्मा को मूर्त मानना। जीव को अनादि अनंत की जगह सादि शांत मानना। जीव को अनादि ज्ञानी की जगह अज्ञानी मानना। जीव को इंद्रियों के हिसाब से छोटा बड़ा मानना, ये विपरीत मान्यता है, इसे कहते हैं मिथ्यात्व। इसके 5 भेद हैं, विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। कहा भी गया है कि विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के।
अर्थात विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये पांच प्रकार का मिथ्यात्व तो होता है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी में पाया जाता है, हम सब में ये पाया जा सकता है। सामान्यतः हमारी मान्यताएं एक सी नहीं होती हैं, हमारे मनभेद भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं। मनभेद और मतभेद ये कब होते हैं? जब हमारे विचारों में एकमेकता नहीं होती या हमारे विचारों में तारतम्यता नहीं होती, तब होते हैं। ये विपरीत मान्यता कहलाती है। उसी बात को मैं अपने अनुसार स्वीकार करूं, आप अपने अनुसार स्वीकार करें, गुरुओं ने अपने हिसाब से बताया, शास्त्र में अपना वर्णन किया गया है, ये चारों अलग अलग मान्यताएं होंगी तो विपरीत मान्यता। और जैसे कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, अर्थात मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता, ये मोक्ष मार्ग है। यही भगवान ने बताया, यही मुनियों ने बताया, यही शास्त्र में लिखा, इसी ही हम अनुसरण करें, ये होगी सम्यक मान्यता। और मैं अपने हिसाब से मोक्ष मार्ग बनाऊं, आप अपने हिसाब से बनाएं, कोई कहेगा हिमालय पे खड़े होने से मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहेगा एवरेस्ट पे चढ़ने से मिल जाएगा, कोई व्रत उपवास से मोक्ष मानता है, कोई पूजा पाठ से मोक्ष मानता है, कोई अन्य क्रिया से मोक्ष मानता है और सम्यक श्रद्धान की बात नहीं करता। तो सम्यक श्रद्धान की बात ना करके अन्य श्रद्धान को स्वीकार करना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व तो क्या है? मिथ्यात्व के पांच भेद हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। उनमें से पहला है विपरीत, दूसरा है एकांत मिथ्यात्व। एकांत से तात्पर्य क्या? देखिए, कोई भी पदार्थ संसार में एकांत एकार्थक नहीं होता। पदार्थ ना तो केवल नित्य है, ना केवल अनित्य है। क्योंकि अगर नित्य मानेंगे तो उसकी प्रवृत्ति सदाकाल एक सी बनी रहना चाहिए, और अगर अनित्य मानेंगे तो उसकी प्रवृत्ति कभी भी एक पल के लिए भी समान नहीं होना चाहिए। और अगर हम पदार्थ को नित्य मानते हैं तो हम नैयायिक हो जाते हैं, और पदार्थ को अनित्य मानते हैं तो बौद्ध दर्शन की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। यथार्थ क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में कोई चीज़ है, मान लीजिए मेरे हाथ में एक घड़ी है। अब बताइए, ये घड़ी अच्छी है कि बुरी है? अच्छे बुरे का कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई सिंपल सी टूटी फूटी घड़ी दूसरे हाथ में हो तो कहेंगे ये अच्छी है, ये बुरी है। और इस हाथ में कोई बहुत अच्छी घड़ी हो तो वो अच्छी हो जाएगी, ये बुरी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये अच्छी है कि बुरी है? हम कहेंगे ना तो अच्छी है ना बुरी है। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे का कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्येक वस्तु अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है? या तो आप चुप रह सकते हैं, या आपका जवाब होगा सर कुछ जानते हैं इसलिए ज्ञानी हैं, बहुत कुछ नहीं जानते इसलिए अज्ञानी भी हैं। एक ही व्यक्ति ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। अगर हम नित्य रूप से एक पक्ष को स्वीकार करें कि ज्ञानी ही है, तो क्या सब विषयों का ज्ञान उसे है? नहीं है। और अगर हम माने नहीं तो अज्ञानी ही है, क्या कुछ नहीं जानता? जानता है। फिर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? दोनों बातें हैं। जितना जानते हैं उस अपेक्षा से ज्ञानी है, और बहुत कुछ अभी नहीं जानते उस अपेक्षा से अज्ञानी है। जैसे हम और आप भाई भी हैं, पिता भी हैं, किसी के पति भी हो सकते हैं, किसी के बेटे भी हो सकते हैं, मामा चाचा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं। अगर सामने भांजा खड़ा हो तो हम क्या है, मामा है कि चाचा है? मामा है। और भतीजा हो तो चाचा है। एक ही व्यक्ति अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग रिश्तों से बदल जाता है। वैसे ही कोई भी पदार्थ एक पक्ष रूप एकांतिक नहीं होता, परंतु हम अपने अज्ञान के कारण पदार्थ का स्वरूप एकांतक मान लेते हैं, इसलिए वह एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत, एकांत, विनय मिथ्यात्व सबसे खतरनाक। क्यों? हम विनय किसकी करते हैं? जहां हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो वहां हम झुक जाते हैं, वहां नतमस्तक हो जाते हैं, और स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो उसे ही गाली देने लगते हैं। टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया, अच्छे नंबर दे दिए तो टीचर बहुत अच्छे हैं, और अगर उन्होंने कम नंबर दिए या किसी को ज्यादा दे दिए, आपको कम आए, तो टीचर बुरे हैं। तो एक्चुअल में टीचर बुरे हैं कि आपको नंबर कम ज्यादा मिले इसलिए वो अच्छे बुरे हो रहे? ये हमारी विनय है। हम माता पिता की विनय करते हैं, अगर स्वार्थ सिद्धि ना हो तो उन्हें अभिनय करने लगते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं,
आप पिक्चर्स में देखते होंगे भगवान की मूर्ति के सामने निवेदन पूर्वक कोई बात करते हैं, कोई अपनी बात मनवाने के लिए उनके सामने निवेदन करते हैं, कोई व्रत संकल्प करते हैं, पूरा हो गया तो बहुत सारा द्रव्य लेके जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और पूरा ना हो तो गाली भी देते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान किसी के अच्छे बुरे करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से विनय भी करते हैं, अभिनय भी कर लेते हैं। एक्चुअल में विनय करना किन की चाहिए? पहले बताया था ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा विनय। विनय चार प्रकार की होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। परंतु हम किसी की भी विनय करें तो वो विनय नाम का मिथ्यात्व है। अज्ञान, जिन पदार्थों के बारे में हम नहीं जानते वो है ही नहीं ऐसा कहना, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता तो आत्मा है ही नहीं ऐसा कह के मानना कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा नहीं, या स्वर्ग नरक दिखाई नहीं देते तो स्वर्ग नरक होते ही नहीं है ऐसा मानना अज्ञान है। तो विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। संशय क्या है? संशयात्मक स्थिति, ये आत्मा को अभी तक मैंने जाना तो नहीं है, तो आत्मा होता है कि नहीं होता। अथवा जिन गुरुओं ने, भगवान ने शास्त्रों में जो लिखा है वह सही लिखा कि गलत लिखा, ऐसा संशय होना, शंका होना, इस संशय नाम का मिथ्यात्व है। फिर आती बात अविरति की। अविरति के हिंसादि पांच भेद है। फिर आती बात प्रमाद की। प्रमाद में पाप, कसाय, विकथा, निद्रा, स्नेह, 15 भेद हैं। इसके बाद बात आती है कसाय, मिथ्यात्व के कारणों में, तो इसके भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 4 भेद, और विशेष रूप से अनंत अनुमति आदि 25 भेद होते हैं। उसके बाद योग, ये 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से मिथ्यात्व के आश्रव के कुल 57 भेद होते हैं। पहले बताया 5 कारण, सबसे पहले बताया शुभ अशुभ रूप 2, फिर आश्रव होता मन वचन काय से है 3, फिर आश्रव के कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग 5 बताए, फिर विशेष सामान्य रूप से 20 भेद और विशेष रूप से 57 भेद। इसलिए बताए गए, अगर आप समझ सको तो शुभ अशुभ में ही समझ लीजिए, शुभ अशुभ 2 में ही 57 भेद गर्भित हैं। वो समझ में ना आए तो मन वचन काय को समझ लीजिए, 3 में समझ लीजिए। वो भी क्लियर ना हो, विशेष रूप से समझना चाहो, मिथ्यात्व आदि 5 भेद में समझ लीजिए। उसमें भी क्लियर ना हो तो सामान्य से जो 20 भेद बताए हैं उनको जान लीजिए, और उसमें भी अगर शंका रह जाए तो विशेष रूप से 57 भेदों को जान लीजिए। तो 57 भेद अगर हम जान लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि आश्रव किन किन कारणों से, किन किन साधन से, किस माध्यम से हमारे साथ आ जाता है, जुड़ जाता है। आश्रव है क्या? कर्मागम द्वार रूपा आश्रवः। आत्मा में जिस द्वार से, जिस साधन से कर्मों का आगमन हो, उस द्वार, उस साधन को, उस प्रवृत्ति को आश्रव कहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे अभी मिथ्यात्व के भेद की, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, 5 की बात हमने की। इसके बाद बात आती है अविरति की। अविरति क्या है? जो व्रत ना हो, यानी जिसने त्याग ना किया हो, जिसने अपने जीवन को संयमित ना किया हो, जिसने व्रत नियम संयम का धारण ना किया हो, वो अविरति। इसके भी कई अर्थ हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि जो गृहस्थ हैं, जो कुछ नियम धर्म नहीं पालन करते, वो अविरति हैं। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार अविरति कौन है? जो सम्यक दृष्टि तो है परंतु अणुव्रतों का पालन नहीं करता, वो अविरति है। क्योंकि सम्यक दर्शन अर्थात चौथा गुणस्थान, और चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। यहाँ ऐसा नहीं है कि सामान्य राह चलता व्यक्ति अविरति है, वो तो है ही। उसके लिए तो ये कहा गया कि व्रतों की शुरुआत तो सम्यक दर्शन के बाद होती है, तो सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर वो व्रत का पालन करता है तो विरति है, और व्रतों का पालन नहीं करता है तो अविरति है। तो अविरति के 5 भेद, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब यहां बात आती है कि जो मान लीजिए सम्यक दृष्टि तो है, जब सम्यक दृष्टि है तो हिंसा कैसे करेगा? क्योंकि हिंसा की परिभाषा बताई है कि जो किसी को दुख दे या किसी ऐसी प्रवृत्ति में कार्य करे जिससे किसी की हिंसा हो, प्राणव्य परोपणम हिंसा,
दूसरों के प्राणों का घात करना हिंसा है, या किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना ये हिंसा है। अगर इस परिभाषा को मान करके हम बात करें तो सम्यक दृष्टि तो ना तो झूठ बोलता है, ना हिंसा करता है, ना जानबूझ के चोरी करता है, अनैतिक कार्य तो करता ही नहीं है, और परिग्रह में भी संयमित रहता है। यहाँ कौन सी हिंसा की बात है? हिंसा की परिभाषा को हमें विस्तृत रूप में समझना होगा। अभी तक तो ये जाना कि प्राणभ्य परोपणम हिंसा, दूसरों के प्राणों का घात करना हिंसा है, परंतु आचार्य अमृतचंद लिखते हैं आप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषां मेवोत्पत्ति अहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है, यही जिनागम का सार है। अब इस परिभाषा को ध्यान में रख के अगर हम अविरत रूप में जो हिंसा की बात करें तो हमें कुछ अर्थ समझ में आएगा। यहाँ किसी के मारने की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि जो जीव जितनी आयु लेके संसार में आया है उससे एक सेकंड पहले नहीं मर सकता, ना एक सेकंड बाद जिंदा रह सकता है। हम कितना ही प्रयास क्यों ना करें, कहा गया है निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। क्या हम किसी की एक सेकंड आयु बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो क्या हम किसी को मार सकते हैं? जब तक उसकी आयु पूर्ण ना हुई हो तब तक हम उसे नहीं मार सकते। इसलिए यह हिंसा से तात्पर्य जीव के स्वयं के अंदर आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति अगर हो रही है तो वह हिंसा कर रहा है। किसी को मारने सताने से हिंसा की बात यहां नहीं कही गई, उससे ऊपर की बात है। झूठ, यह झूठ से क्या तात्पर्य? सामान्यतः कोई भी सम्यक दृष्टि असत्य वचन नहीं बोलता, तो यह झूठ क्या? अगर उसके अंदर कोई व्रत नियम का पालन करने का भाव हो या संकल्प लिया हो और वो पूर्ण ना कर पाए, परंतु किसी को बताया ना हो, तो विचार करे मैंने बताया थोड़ी है, तो वो प्रवृत्ति। चोरी, सम्यक्त्वी की प्रवृत्ति में निरंतर आत्मध्यान होना चाहिए, लेकिन आत्मध्यान ना हो। कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासासा विघेया शेषा लंघन कम विधु। अर्थात कसाय विषयाहार का त्याग तो ना हो, ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति ना हो, और अपने आप को सम्यक्त्वी कहे, तो वो चोरी की प्रवृत्ति। कुशील, सम्यक्त्वी है, गृहस्थ है, अपनी पत्नी परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी को माता और बहन के समान देखना तो सुशील प्रवृत्ति है, और अन्य किसी को अपने पत्नी के समान या अन्य गलत दृष्टि से देखना वो कुशील प्रवृत्ति है। और परिग्रह, परिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है। सम्यक्त्वी के लिए, गृहस्थ श्रावक के लिए आवश्यकता क्या है? देखिए आवश्यकता की कोई परिभाषा हम नहीं बना सकते, क्योंकि आवश्यकता समय के हिसाब से बदलती रहती है, या यूं कहें कि आवश्यकता के हिसाब से आवश्यकता बदल जाती है। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जाती है और हमारी आवश्यकता भी बढ़ सकती है। परंतु जिस समय जितनी वस्तुओं में, जितने धन में, जितने पदार्थों में हमारा काम चल सके उतना संग्रह करना तो अपरिग्रह की प्रवृत्ति है, और उससे अधिक अनावश्यक संग्रह करना वो परिग्रह है। तो ये अविरति के 5 कारण हैं। इसके बाद आती है बात प्रमाद की, क्योंकि आश्रयों के कारणों में मिथ्या तो अविरति प्रमाद 3 नंबर का है। प्रमाद के भेद कौन कौन से हैं? पाप, कसाय, विकथा, निद्रा एवं स्नेह, ये 15 भेद हैं। पाप से तात्पर्य अभी हमने बात की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप रूप प्रवृत्ति भी प्रमाद का कारण है। क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मध्यान को छोड़ करके, अपने निज कार्य को छोड़ करके पाप रूप प्रवृत्ति में संलग्न हुए। किसी की हिंसा की प्रवृत्ति अगर मैं करूंगा तो करूंगा क्या? स्वभाव का घात करूंगा, मेरा काम तो हिंसा नहीं है, आत्मा का कार्य तो हिंसा करना नहीं है, फिर भी अगर वैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो पाप कार्य है। दूसरा है कसाय, कसाय से तात्पर्य क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध क्या है? आप लोग, क्रोध आता है क्या? आता तो है, कब आता है? हमेशा आता रहता है कि कभी कभी आता है? अच्छा, कोई एक दीवार के सामने खड़े हो जाए
और चलिए दीवार पर चिल्लाइए, दीवार पर गुस्सा कर सकते हैं? नहीं, क्यों? सामने वाला होना चाहिए, और वो भी हमारे मन से मिलने वाला ना हो, जो हमारे विचारों के एक समान ना हो, जो हमारे विचारों की कद्र ना करता हो, उससे क्रोध आ जाएगा। या मैं जो गुण आप में नहीं है उसकी बात कर दूं तो क्रोध आ जाएगा, जैसे किसी डॉक्टर को कंपाउंडर कहूं गुस्सा आ जाएगा। दूसरी कसाई है मान, और किसी कंपाउंडर को डॉक्टर कहूं तो कॉलम ऊंची हो जाएगी, देखो मुझे सर ने डॉक्टर कह दिया। तो डॉक्टर है नहीं पर डॉक्टर कहना तो मान कसाई, और डॉक्टर को कंपाउंडर कहना क्रोध कसाई। तीसरी कसाई माया, मानी छल कपट, जो ना तो डॉक्टर है ना कंपाउंडर है लेकिन ड्रेस पहन के आ गया है और मैं डॉक्टर हूं ऐसा मान के बैठ जाए, वो मायाचारी है, छल कपट है। फिर आती है लोभ, लोभ यानी दूसरों की वस्तुओं को बुरी नजर से देखना, दूसरों की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा करना, जो अपना नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा करना, वो प्रवृत्ति तृष्णा की प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बाद आता है विकथा। विकथा क्या है? स्त्री कथा, राज कथा, राग कथा और भोजन कथा। सामान्यतः मनुष्यों में, विशेषकर युवाओं में या पुरुषों में प्रवृत्ति होती है, स्त्रियों की संबंधी कोई बात करें तो हम बड़े राग से रुचि से सुनने लगते हैं, या हम अपने समय का ध्यान ना रखते हुए भी अनावश्यक समय उसमें व्यतीत कर सकते हैं, पर क्या लाभ होता है? कर्म का बंद होता है। राज कथा, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है या राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे हैं या देश में क्या हो रहा है, इन बातों पे ज्यादा ध्यान देना और अपने कार्य पर ध्यान ना देना, अपने कर्तव्य का पालन तो नहीं करना परंतु अन्य जो राजनेता हैं उनकी प्रवृत्ति को सोच करके अपना समय उनमें लगाना, ये राग राज कथा है। फिर राग कथा, राग कथा क्या है? राग रूप प्रवृत्तियों की कथा करना या जिनमें मन लगता हो इंद्रियों के विषय भोगों की कथा करना, कथा मतलब चर्चा करना। फिर भोजन कथा, जब भोजन कर लिया पेट में चला गया समाप्त हो गया, अब अच्छा था कि बुरा था, या उन्होंने अच्छा भोजन कराया इन्होंने अच्छा नहीं कराया, या वो अच्छा बनाते हैं अच्छा नहीं बनाते, इससे क्या लाभ? भोजन तो हो गया, दोबारा तो उसको हम कर नहीं सकते, पर उसकी चर्चा करना, ये भी विकथा है, अर्थात ये सम्यक वार्तालाप नहीं है, मिथ्या वार्तालाप है। इसके बाद आती है निद्रा। निद्रा क्या है? देखिए निद्रा के लिए कहा गया है निद्रा के 5 भेद हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान वृद्धि। निद्रा सामान्य निद्रा, जो हम सोते हैं सो के उठ जाते हैं। निद्रा निद्रा गहरी निद्रा, गहरी निद्रा कभी कभी ऐसा होता है कि बादल गरज के चले जाएं फिर भी नींद ना खोले, घर में चोरी हो जाती है मालूम ही नहीं चलता सोते रह गए। प्रचला यानी बाहर तूफान आ जाए तो भी हमारी नींद ना खुले, तेज हवाएं चल जाएं, वैसे तो खिड़की में कुछ भी आवाज होती उठ जाते हैं लेकिन कभी कभी इतनी नींद भी आती है कि बाहर तूफान आ गया बारिश होके चली गई हमें मालूम ही नहीं चला। प्रचला प्रचला कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बैठते ही नींद आ जाती है फिर अगल बगल क्या हुआ मालूम ही नहीं चलता। और एक आपने सुना अखबारों में आता है कोई व्यक्ति सोते सोते घर के बाहर चला गया, कोई भी घूम के आ गया, कोई काम करके आ गया, किसी को मार के आ गया, चोरी करके आ गया, वापस आके बिस्तर पे सो जाता है। सुबह होती है उससे पूछते हैं रात में तुम वहां क्या कर रहे थे? नहीं मैं तो अपने घर पर था, मालूम ही नहीं चलता। सोते सोते चलने की बीमारी, ये कहलाती है स्थान वृद्धि और स्नेह। स्नेह मतलब राग, ये सब प्रमाद के भेद हैं, इन सब से आश्रय होता है।